बुरहानपुर जिले में खुला तेल का व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। बता दें कि ये तेल नहीं बल्कि एक बड़ा जहर है। यदि बात करें देश की सरकारी एजेंसी यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इस एजेंसी ने विगत वर्ष अगस्त में सर्वे कराया था जिसमें 25% तेल मिलावटी पाया गया था। साथ ही FSSAI ने करीब 4000 सैंपल लिए थे जिसमें 24.2% सामान्य पाए गए। वहीं अब बात करें जिले के मंडी बाजार की, तो जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तफ्तीश शुरू की तो मार्केट में अजीब हलचल मच गई। ऐसे में कुछ दुकानदारों और ग्राहकों का कहना है कि ये मिलावटी तेल आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, लेकिन सभी जगह बिक रहा है। जानकारी के अनुसार FSSAI ने रिपोर्ट में कई ऐसे दावे किए हैं जिसमें 24.2% में फैटी एसिड और आयोडीन और दूसरे तेलों की मिलावट पाई गई है। साथ ही सर्वे के दौरान 12.8% तेलों में ब्रांडिंग को लेकर भी गड़बड़ी पाई गई है। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया कि फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर को भेजकर जांच करेंगे। वहीं SDM पल्लवी पौराणिक का भी यही कहना है कि फूड एंड सेफ्टी के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। हम मंडी बाजार में जहां तेल का खुला व्यापार चल रहा है, और यदि हम बात करें तो यहां यदि हम जिस जगह खड़े हैं मंडी बाजार में, चारों तरफ जो है खुला तेल बिक रहा है। देख सकते हैं कैमरे में किस तरह से जो है यहां लगातार खुले तेल की बिक्री चल रही, जो कि प्रतिबंधित है, और प्रतिबंधित तेल यहां पर लगातार बिक रहा है, जिसको लेकर के SDM पल्लवी पौराणिक भी अब जो है एक्शन मोड में आने की बात कर रही है। और अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर खबर दिखाए जाने के बाद जिस तरह से कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, अब देखना होगा कि कब तक जो है यहाँ कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, बुरहानपुर। जी, आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी में आया है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं तेल के विक्रय के बारे में, हम अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर से इसकी जांच कराते हैं कि जो भी तेल फूड आइटम के रूप में बिक रहा है उसको मानक है कि अमानक है, अगर अमानक होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो है सारी दुकानों पर, चाहे वो किराना दुकान हो चाहे कोई भी हो, वहाँ खुला तेल मिल रहा है या फिर अनब्रांडेड तेल भी मिल रहा है, तो उसको लेकर के या जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रिपैकिंग यहाँ पर चल रहा है, तो उसको लेकर के कार्रवाई होगी। वो भी खाद्य विभाग के साथ मिलकर फिर हम कार्रवाई करेंगे। जी, खुला तेल आ रहा तो खुला बिक रहा है, पैकिंग आएगा तो पैकिंग बेचेगी सरकार का। खुला बेचे तो खुला ही बिकेगा ना, वो पैकिंग करके बेचेंगे इसको, मतलब खुले में बिक रहा है। खुले में बिक रहा है, खुला है तो खुला बिक रहा है। पैक सरकार की तरफ से कहीं पैक आएगा माल, सरकार का भी उठाए ऑब्जेक्शन, पैक माल आएगा तो पैक बेचेगा, हम कहा पैकिंग करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शेख इरफान जी। भाई साहब बताइए, मतलब खुले में तेल, अमित बख्श, तेल खुले में बिक रहा है? खुला आ रहा तो खुला बिक रहा है ना सर, खुले में बिक रहा है। सरकार कंपनी पैक करके बेचती तो बिक जाएगा यहाँ पर, उनको बेचने को आपत्ति थोड़ी है, खुले मारो खुले बिक रहे। कहाँ से आ रहा माली? वहाँ से आ रहा है। जो तेल खुले में बिक रहा है बल्कि प्रतिबंध है, खुले में बिका जा रहा है, क्या है शहर के अंदर, मतलब दुकान में देखा जा रहा है कि खुले में बिक रहा है? तो बस सभी जगह बिक रहा है, अपने अपने सिंगल शॉप में सभी जगह बिक रहा है, पूरे शहर में बिक रहा है, पूरे शहर में बिक रहा है। कितनी दुकानें होगी इसका आइडिया तो नहीं है अपने, लेकिन पूरे शहर में बिक रहा है ये, पूरे शहर में बिक रहा है, पूरे शहर में बिक रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। सर, जो खुले में तेल बिक रहा है उसको उस पर पड़ती है, फिर भी आप तेल बेच रहे हो? खुले में तेल बेचना प्रतिबंध है, फिर भी आप तेल बेच रहे हो खुले में? हाँ, प्रतिबंध है, मुझे आप उसको दिखाइए, है ना, दिखाइए। सभी जगह भी ग्वालियर में भी कार्रवाई हुई थी तेल को खुले में लेकर, कल ही कार्रवाई हुई थी। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं मेरी? उसी को लेकर तो बना रहे हैं, खुले में तेल बेचना प्रतिबंध है इसलिए हमने वीडियो बेच रहे हो। पूरे शहर में बिक रहा है? हाँ, पूरे शहर में बिक रहा है। क्या नाम है आपका? आप मेरी बाइट ले रहे हो, पूछते बिना आप मेरी बाइट कैसे ले रहे हो? पूरा शहर के अंदर खुले में जो तेल बिक रहा है प्रतिबंध, फिर भी खुले में तेल बेच, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दुकानदार जो है तो अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपनी मनमानी से ही तेल बेच रहे हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। तो क्या खुले में बिक रही है सर? जी, खुले में बिक रहा तेल। मतलब कितने मात्रा में बिकता है डेली? ये कम से कम ये समझ लो कि 20 टन की तेल आता है 2 दिन की आड़ में। 20 टन की ये समझ लो कि 4000 लीटर तेल आता है। अच्छा, तो यह मतलब खुले में बेचते हैं जी। क्या नाम है आपका? इमरान खान। आप कौन? मैं लकड़ी की दुकान है मेरी।